हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका विशाल क्रिएशन में। तो आज हम सीखेंगे फिटनेस फ्लायर कैसे बनाते हैं, वो भी काफ़ी कम समय में, सिंपल तरीके से फिटनेस फ्लायर कैसे बनता है। सबसे पहले न्यू डॉक्यूमेंट्स लेना है, फाइल में जाके 12.5 14.5 जो भी आपके नीड के हिसाब से आप ले सकते हो। उसके बाद में ये लॉक को हटा दो, लेयर स्टाइल में जाके ग्रेडिएंट और ले इस तरह से कुछ लेना। इसके बाद में ये मैंने एक मॉडल की क्रॉप, बैकग्राउंड क्रॉप करके रखा हुआ है। बैकग्राउंड रिमूव कैसे करते हैं ये मैं एक वीडियो में आपको बताऊंगा। इस चीज़ को डायरेक्टली ड्रैग करके आप यहाँ पर लेके आओ और कंट्रोल टी करके इसको छोटा करो। इसके बाद में यहाँ पर लिखना है शेप, इसको थोड़ा कंट्रोल टी करके बड़ा करो। यहाँ से भी कर सकते हो और यहाँ से भी कर सकते हो बड़ा छोटा। इसको मैं एक फॉन्ट आता है इंट्रो रस्ट करके, इस फॉन्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो इसको सेम यही कलर चाहिए हमको, तो सिंपली इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर जाके ये जो कोड है इसको कंट्रोल सी, मेक श्योर टेक्स्ट टूल सिलेक्ट करके ही करना। उसके बाद में या लेयर स्टाइल में जाके इसको स्ट्रोक देना है, इसको ब्लैक कलर का स्ट्रोक देना है। थिकनेस इसकी जो साइज है 15 इनफ है और दैट्स इट। कंट्रोल टी अगेन, शिफ्ट दबा के थोड़ा बड़ा कर लो और एंटर, अगेन कंट्रोल टी और कंट्रोल और शिफ्ट प्रेस करके इसको थोड़ा ऊपर की तरफ करो, फिर एंटर, देन उसके बाद थोड़ा नीचे ले जाओ। उसके बाद में दूसरा टेक्स किक स्टार योर, हमेशा याद रखना गाइस ज़्यादा फॉन्ट यूज़ मत करो, एक या दो ही यूज़ करो फॉन्ट कोई भी क्रिएटिव में। तो इसको मैं गौतम फॉन्ट लूँगा और ट्रांजिशन, अगेन डुप्लीकेट करो इसको, कंट्रोल जैसे डुप्लीकेट होता है और ऐसे अल्ट दबा के ड्रैग करने से डुप्लीकेट होता है, तो ये शॉर्टकट्स ध्यान में रखो। इन 90 days, ओके, हमारा टेक्स्ट का काम तो हो गया। उसके बाद में रेक्टेंगल लेके रेक्टेंगल को सेम कलर हमको चाहिए, सेम कलर हम लेंगे, तो यहाँ से भी ले सकते हैं। यहाँ पे जाके ये कोड कॉपी करो कंट्रोल सी और डायरेक्टली
चीज़ को सिलेक्ट करके यहाँ पे पेस्ट करो और कंट्रोल ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट से तुम ऊपर नीचे लेयर के साथ खेल सकते हो। इसको पकड़ के इसको वाइट कर देता हूँ और इसको भी वाइट, और एक सेंटर में और थोड़ा इस तरफ, और इसको मैं ब्लैक होता हूँ और इसको इसको येलो, यहाँ से भी तुम कलर पिक कर सकते हो डायरेक्टली। फिर इसको थोड़ा सा एडजस्ट करो मैन्युअली, शिफ्ट दबा के सबको सिलेक्ट करो, डिसलेक्ट के लिए शिफ्ट से डिसलेक्ट होता है कंट्रोल टी, फिर से इसको अल्ट और शिफ्ट पकड़ के ऊपर की तरफ थोड़ा स्ट्रेच करो, और उसके बाद में एक सिंपल डिस्काउंट के लिए हम 50% ऑफ जब कैपिटल फॉन्ट होते हैं तो उसके बीच में ध्यान रखो, कभी ज़्यादा गैप नहीं आना चाहिए। इसके बाद में इसको एक सर्कल लेके उसका कलर येलो, इस सर्कल को जो टेक्स है इसको मैं व्हाइट कलर करता हूँ, प्योर व्हाइट, और इसको मैं ड्रॉप शैडो देता हूँ ठीक इसी तरह से। और उसके बाद मैं एक इस रेक्टेंगल को एक शेप में क्रिएट करते हैं, इसको मैं इसको थोड़ा ना छोटा कर देते फ्रेंड, और इसको इसके नीचे कंट्रोल ओपन और क्लोज ब्रैकेट करके हम नीचे लेके आएंगे, और उसके बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से बस इसको हल्का यहाँ पर ये करना है तरह से, और इसको थोड़ा नीचे की ओर, इसको थोड़ा ऊपर, बस इसी तरह से, और एक थोड़ा सा और थोड़ा इस तरफ, परफेक्ट। जैसा भी आपको जो भी शेप बनाना है शेप में आप क्रिएट कर सकते हो, और इसके ऊपर मेरे को कैपिटल में ये भी फॉर न्यू मेंबर, फॉर न्यू बाद में
इसको बुक और इसको बोल्ड ही रहने देता हूँ, या तो इसको मीडियम करते हैं, इसको मीडियम और इसको लाइट कर दो। और परफेक्ट। और इसको थोड़ा सा छोटा करो, बहुत ज़्यादा हुआ। तो दोनों को सिलेक्ट किया और कंट्रोल टी करके अगेन कंट्रोल और शिफ्ट दबा के थोड़ा ऊपर की ओर और थोड़ा सा बड़ा करो। ओके। और उसके बाद में इसको भी, इसको और इसको 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 सबको सिलेक्ट करके थोड़ा सा कंट्रोल टी। कोई भी चीज़ बनाने के टाइम गाइस थोड़ा सा जूम इन करके भी देखो, जूम आउट भी करो, तो तुमको पता चलेगा कि हमारा सब्जेक्ट कहाँ पर रखना है। यहाँ पर मैंने इसको यहाँ पर रखा और इसको ये मैटर को थोड़ा ऊपर की ओर लिया और एक इसमें मैं इसमें एक इफेक्ट ऐड करना है विच इज कॉल्ड ड्रॉप शेडो। अगेन डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके इस तरह से कुछ क्रिएट करूँगा। इसको मैं बोलता हूँ कि ये नहीं चाहिए मेरे को, ये नहीं, दोनों में से एक नहीं चाहिए, तो उसको हटा देते हैं और इसको ऐसे कुछ शेप में क्रिएट कर लेते हैं। और मेरे को ये थोड़ा ऊपर अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको मैं कंट्रोल ओपन और क्लोज ब्रैकेट करके, आप यहाँ से भी कर सकते हो लेकिन मेरे को थोड़ा बोरिंग लगता है वहाँ से, तो मैं बटन से ही करता हूँ। तो ये हो गया मेरा ये एक शेप कंप्लीट। उसके बाद में अगेन इसको अल्ट दबा के ड्रैग करो तो इसका डुप्लीकेट लेयर बन जाएगा, और कंट्रोल जैसे भी आप डुप्लीकेट कर सकते हो। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके इसको यहाँ पर और इसको यहाँ पर, और उसके बाद में इसको थोड़ा ऊपर की ओर और अगेन उसके नीचे रखना है, इसको ज़्यादा नीचे रखना। परफेक्ट। इसको आप और भी अच्छी तरह से बना सकते हो गाइस। तो ये डन हो गया हमारा। इसकी जो है ड्रॉप शैडो थोड़ा सा हल्का कम करना है और इसको राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। इससे क्या होता है, तुम्हारी लेयर एक हो जाएगी और इसके अंदर तुम जाके काम भी कर सकते हो नए लेयर पे, तो इसका बेनिफिट यही है। तो ये हो गया हमारा, अभी थोड़ा थोड़ा फील आने लग गया है, तो अभी सबसे इम्पोर्टेंट काम बाकी है। इसको भी हम स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। उससे पहले इसको और इसको इन तीनों को तो नहीं दे सकते साथ में, तो सिंगल सिंगल हम पहले इसको ड्रॉप शैडो देंगे थोड़ा सा इस तरफ, मेरे को इस तरफ ज़्यादा चाहिए, और इसको थोड़ा ऑपेसिटी कम करो थोड़ी इसकी और ब्लरनेस थोड़ा हल्का कम करो। ओके। और इसको राइट क्लिक करके कॉपी लेयर स्टाइल और इन दोनों पे भी पेस्ट कर दो, राइट क्लिक पेस्ट लेयर स्टाइल। इसको पकड़ के मैं थोड़ा सा इसको छोटा करता हूँ, ओके।
ओके, राइट क्लिक, स्मार्ट ऑब्जेक्ट, तो ये होगा हमारा एक सिंगल ऑब्जेक्ट। इसको थोड़ा ऊपर लो, इसको भी थोड़ा ऊपर लो, कंट्रोल टी करो, शिफ्ट और कंट्रोल दबा के थोड़ा ऊपर, ओके, इसको भी थोड़ा ऊपर। और उसके बाद में अभी जो है हमारा मेन एक शेप बनाना है, तो उसको मैं यहाँ से बनाता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे शेप्स मिलेंगे, तो रेक्टेंगल लेके उसको सिंपली यहाँ पे ड्रैग करो और इसको थोड़ा ऐसा टिल्ट करो। अगर ऐसा आइडिया नहीं आता है तो उसके पीछे इसको लेके जाओ इस तरह से, और कंट्रोल जे करके और एक डुप्लीकेट बनाता हूँ। उसका कलर में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा उसको, ताकि यहाँ पे विजिबल हो। और उसको थोड़ा कंट्रोल टी करके इसे बड़ा करता हूँ और सबसे पीछे लेके जाओ उसको, ओके। और इसकी थिकनेस हमको शेप एट ओवरलैप, इससे ये तुमको शेप मिल जाएगा। तो अभी इसके अंदर हमको कलर ये चाहिए, और इसका डुप्लीकेट निकाल के, सॉरी, इसका और एक डुप्लीकेट निकालो और उसका कलर येलो, और येलो को सबसे पीछे रखना है बैकग्राउंड के करीब। ये शेप क्रिएट करने का, इस तरह से क्रिएट करने का यही मकसद है फ्रेंड, कि तुम इसको अपने मन से यहाँ पे सिलेक्ट करके छोटा बड़ा कर सकते हो। ये शेप यहाँ पे दोनों को सिलेक्ट करके इस तरह से, तुम्हें अगर लगता है कि ये छोटा हो गया, थोड़ा बड़ा करना है, तो इस तरह से हम बड़ा कर सकते हैं। तो बस इतना ही मेरे को चाहिए था। इसको कंट्रोल जे, सेम थिंग यहाँ पे जाके पिक करो येलो, और उसको बैकग्राउंड के पीछे थोड़ा सा इस तरफ, ओके, और इस चीज को थोड़ा ऊपर लेके आओ, ओके, परफेक्ट। ये बहुत अमेजिंग सा इफेक्ट है गाइस, थोड़ा सा छोटा करो। और उसके बाद में ऊपर वाली लेयर को सिलेक्ट करके तुम्हारा जो मॉडल है उसका बैकग्राउंड सिलेक्ट करके, बस इरेजर लेके इस लेयर को रास्टराइज लेयर करो, ऐसे लगेगा कि अंदर से आ रहा है ऑब्जेक्ट। और कंट्रोल डी करके ये खत्म हो गया यहाँ पर। अभी इसके बाद में इसको थोड़ा अभी बैकग्राउंड के ऊपर काम करेंगे, ये एडजस्ट करो कहाँ पर अच्छा लगता है। और इसी तरह से और एक मैं बताता हूँ आपको, सिंपली टेक्स्ट के साथ भी कर सकते हो। गौतम फॉन्ट लेता हूँ, गौतम का बोल्ड वर्जन, बड़ा करो हल्का, यहाँ पर रखो, इसको जो भी कलर लेना है वाइट ले लो या तो येलो ले लो, जो भी है मैं वाइट लेता हूँ। और इसको मैं सबसे पहले इतना बड़ा करता हूँ, और इसको ग्रुप शैडो, सॉरी, इसको मैं ड्रॉप शैडो देता हूँ। मेरे को एंगल चेंज करना है इसका ऊपर की तरफ, हाँ, इस तरह से मैं इसको ड्रॉप शैडो देता हूँ, शैडो इस तरह से आएगा,
और इसको ब्लर करो, बस इसको थोड़ा सा ब्लर करो, थोड़ा ऑपेसिटी थोड़ी कम करो। ओके परफेक्ट। इसके बाद में सेम थिंग, इसको सिलेक्ट करो, कंट्रोल पकड़ के इसके ऊपर बस ड्रैग करो, एक क्लिक करो इसके ऊपर कंट्रोल पकड़ के, तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद में इरेजर लेके ये जो लेयर है ये रास्टराइज नहीं है तो एडिट नहीं होगा, तो ये सिंबल है उसका। तो सबसे पहले इधर राइट क्लिक करके रास्टर राइज लेयर स्टाइल, और अभी ये फ्री है, इसके ऊपर आप कुछ भी कर सकते हो। से हमने इसको भी इसके अंदर एडिट कर दिया है। एक रेक्टेंगल ही लेता हूँ, रेक्टेंगल लो, इसके अंदर ये येलो कलर डालो, एक रेक्टेंगल लो, इसके अंदर येलो फिल करो। उसके बाद में डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, सिलेक्शन टूल लेके इसको शेप, एक कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है वो शेप बना सकते हो। इसका कुछ ज़रूरत नहीं है तो उसको मैं डिलीट करता हूँ। और इसको मैं हल्का ऊपर की तरफ और इस लेयर को मैं ऊपर लेके आता हूँ और इसको डुप्लीकेट निकालता हूँ। और अगेन इसका कलर मैं ग्रे रखता हूँ, थोड़ा और डार्क, और इसको थोड़ा अंदर की लेयर में फिट करता हूँ। सिलेक्शन मर्ज करता हूँ इसको प्रॉपर इसके साथ। अभी एसी को इस सेम अल्ट पकड़ के ड्रैग करो, कंट्रोल टी करके फ्लिप हॉरिजॉन्टल और अगेन फ्लिप वर्टिकल, और इसको ऐसे थोड़ा सा छोटा कर सकते हो इसको, जैसे भी आपको अच्छा लगता है उस हिसाब से कर सकते हो। और उसके बाद में एक फाइनल टेक्स्ट बाकी है, उसके बाद में बैकग्राउंड में एक अच्छा सा इफेक्ट बताऊंगा आपको, लाइट छोटा कर दो इसको, इसको बोल्ड नहीं रखना है, इसको बुक रखते हैं, बुक या तो मीडियम, मीडियम परफेक्ट है। और इसका कलर यहाँ से जाके बस पिक करना है सेम ग्रे, और इस चीज़ को कॉपी करके को, ये दोनों को नज़दीक नज़दीक रखना है, और अगेन कॉपी, और यहाँ पर 7 days इसको बोल्ड करेंगे। और इसका कलर मैं वाइट करता हूँ अभी से, और ये सेम टेक्स्ट लेके ट्रायल
और इस चीज़ को सबको सेलेक्ट करो। तो तुम मैनुअली ये कर सकते हो, ये दोनों को सेपरेट रखना है, इसको इसको साथ में, और इन दोनों को सेपरेटली हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और इसको रेक्टेंगल लेके सिंपली रेक्टेंगल सिलेक्ट करके कलर येलो करना है और इसको इसके पीछे लेके जाओ। बस और कंट्रोल टी करके इसको छोटा छोटा दो पार्ट में डिवाइड कर दो। कॉपी शिफ्ट दबा के सबको सेलेक्ट करो, कंट्रोल टी करो, इसको छोटा कर लो, इतना परफेक्ट है। थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हो और कंट्रोल और शिफ्ट दबा के बस इस तरह से यहाँ पर लॉक कर दो और इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना दो। या उससे पहले एक और इफेक्ट इसमें ऐड करेंगे, इसको थोड़ा सा नीचे लो, इसको इसको पकड़ के ये दोनों थोड़ा लोगों का ध्यान इस तरफ जाना चाहिए। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम एक और एक इफेक्ट इसमें ऐड करें, जो बैकग्राउंड है ये बैकग्राउंड को हम थोड़ा सा बड़ा करके इसके ऊपर ड्रॉप शैडो देके देखेंगे, इस तरह से ड्रॉप शैडो देंगे और इसी को ही कॉपी करो, कॉपी लेयर स्टाइल, और इसी के ऊपर बस पेस्ट कर दो। ओके, तो इस तरह से ये एक एक्सट्रूड ऑब्जेक्ट लग रहा है, तो ये दोनों लेयर सिलेक्ट है इसीलिए ऐसा हो रहा है। साइड से साइड में क्लिक करके इसको और इसको पकड़ के अगेन थोड़ा ऊपर कर दो बस, और इसको भी थोड़ा ऊपर करो। कैपिटल जो टैक्स रहते हैं ना उनके बीच में थोड़ा कम ही गैप दिया करो, तो थोड़े दिखने में अच्छे दिखते हो, और जो कैपिटल नहीं रहते हैं ना उनके बीच में आप गैप थोड़ा ज़्यादा दे सकते हो, तो रीडिंग में प्रॉब्लम नहीं होता हमको, तो ये चीज इजीली कर सकते हो आप। जो आपके आंखों को देखने में अच्छा लगता है ना वही करो। सबको सिलेक्ट करो, इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना दो ताकि बार बार सिलेक्ट करने की जरूरत ना पड़े, जहाँ चाहिए वहाँ पे। ओके, यहाँ पर ये हो गया। उसके बाद में अभी एक फाइनल ये जो लेयर है इसको हम एक इफेक्ट देंगे पैटर्न और ले करके, इसके अंदर जाके हम डिफॉल्ट जो भी है वही यूज़ कर रहा हूँ प्रीसेट में, कुछ नया प्रीसेट नहीं ले रहा हूँ, तुम भी वही डिफॉल्ट ही यूज़ कर सकते हो। ओके, तो इतना लिया है मैंने और इसको तुम इस तरह से ऑपेसिटी कम कर सकते हो, मैं फ़िलहाल के लिए इतना ही रखता हूँ। ओके, उसके बाद में बैकग्राउंड में एक लेयर और ऐड करना है, वो जो फोटो है, ये जो फोटो है ये फोटो मैं बैकग्राउंड में डालता हूँ।
कंट्रोल टी करके इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ इस तरह से, और इसको यहाँ पर इस तरह से मैंने इसको लगाया, इसको पीछे की ओर लेके जा रहा हूँ। जो प्रीसेट ऐड किया उससे भी पीछे चाहिए इसको, और इसका जो इफेक्ट्स है ना ये चेंज करो, इसको थोड़ा ऊपर लेके आओ इस लेयर पे, और फिर चेंज करो। स्क्रीन मोड पे ये मेरे को थोड़ा इसका ऑपेसिटी कम करने की जरूरत है। ओके, अभी इसके ऊपर मेरे को एक इफेक्ट ऐड करनी है, बस हल्का एक लेयर लिया, ब्रश ले लिया, और एफ से ये आता है पैरामीटर ब्रश का, और विंडो में जाके यहाँ से बस इस तरह से मैंने ये थोड़ा डाला, इस तरह से यहाँ पे थोड़ा डाला, इसका एंगल आप चेंज करके इस तरह से डाल सकते हो, इस तरह से ऐड कर सकते हो। अभी इसकी ऑपेसिटी थोड़ी हल्की कम करो, और फाइनल जो है फाइनल इसको सबको सेलेक्ट करो, यहाँ पर जाओ, लेवल थोड़ा सा बढ़ा दो, लेवल थोड़ा यहाँ से थोड़ा ऐसे थोड़ा बस, और उसके बाद में तुमको थोड़ा सा यहाँ पे इसकी शेडो ऐड करनी पड़ेगी, तो इसको मैं न्यू लेयर ले रहा हूँ, ब्रश ले रहा हूँ, अगेन F5 से एक नॉर्मल ब्रश लिया मैंने, नॉर्मल ब्रश लिया, उसके बाद में वैसे यहाँ पे क्लिक कर दिया एक, और इसको मैंने ऊपर की तरफ ले लिया बस। अभी इसको मैंने इस तरह से ले लिया कई बार, अभी जो हमने इफेक्ट्स चेंज किया है उस वजह से इसके ऊपर भी वो आ रहा है, तो सिंपली इसको मैं रेजर से मैं कहता हूँ नॉर्मल पे रहता हूँ इसको, और इसको थोड़ा इस तरह से ओके परफेक्ट परफेक्ट। और अगर आपको लग रहा है कि ये थोड़ा ज़्यादा हो गया ऐसे आप कम कर सकते हो, या फिर प्रीसेट में पैटर्न में जाके या फिर कम कर सकते हो। तो इस तरह से मैंने ये क्रिएट कर लिया है, तो इसको और भी आप इफेक्ट डाल सकते हो, जैसे कि अभी मैंने ये बैकग्राउंड के साथ आप खेल सकते हो, इसके साथ और एक थोड़ा ब्लैक कलर का बैकग्राउंड मैंने डाला, इस ब्लैक कलर को थोड़ा ऐसे पीछे लेके इसको थोड़ा लेयर के साथ में इफेक्ट के साथ में थोड़ा खेलने के बाद देखते हैं क्या आउटपुट आता है, इसको थोड़ा ऊपर लेके आओ, बस ट्राई करते रहो फ्रेंड्स कैसा इफेक्ट्स आ रहा है, अगर अच्छा लग रहा है तो रखो बस, इसको नॉर्मल पे रख के भी आप ऊपर लेके आओ, और इसको हल्का ऑपेसिटी कम कर दो तो आपको ऐसा इफेक्ट आएगा। तो इस तरह से फिटनेस फ्लायर बन चुका है,
फ्रेंड्स, ऐसे वीडियो आपको अगर अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करो और शेयर करो, और थैंक यू।